अस्सलाम वालेकुम। ये क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड को लेना है हमने, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड आना चाहिए। और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है टैन थीटा, इसको हम यू लिख सकते हैं, टैन थीटा प्लस टू थीटा। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है क्योंकि थ्री थीटा है, ये थीटा प्लस टू थीटा, तो ये थ्री थीटा ये भी बन जाएगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू ओपन एक्सपेंड द फार्मूला। इन द फार्मूला फॉर दिस वन इज, ये आपके पास आ रहा है टेन अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला है यू वाला, तो अब क्या हो जाएगा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, ये फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे और उसको फिर एक्सपेंड करेंगे। तो ये टेन अल्फा मतलब ये है कि टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन थीटा टेन टू थीटा। अब एक और फार्मूला आ रहा है टेन टू टू थीटा का, क्योंकि ये टू अल्फा या टू थीटा लगा दीजिएगा, वो फार्मूला होता है टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला। ठीक है, तो अब टेन टूटा थीटा यहां पे आ रहा है और टेन टू थीटा यहां पे आ रहा है, तो ये फार्मूला हम इसकी जगह पे ये लगा देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास टेन थीटा प्लस टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन थीटा और टेन टू थीटा। ये टेन थीटा अपनी जगह पे टेन टू थीटा का फार्मूला लगा देते हैं, तो टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये फार्मूला। अब फर्दर हम उसको यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब जाहिर है नीचे इधर वन होता है, तो इस वन के को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आएगा, इस वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा को टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, टेन थीटा इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये, और प्लस टू टेन थीटा, प्लस टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय, इसमें भी एलसीएम हमारे पास आ रहा है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाए वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये टू टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे पास, ये क्योंकि इसके नीचे तो आपके पास ज़ाहिर है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो माइनस टू टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा को आप इधर भी कैंसिल कर सकते हैं या उसको आगे जाके कैंसिल, इधर ही कैंसिल कर दें, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये टेन थीटा वन से टेन थीटा हो जाएगा और माइनस और टेन क्यूब थीटा हो जाएगा, टेन क्यूब टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय टेन स्क्वायर थीटा, टेन क्यूब थीटा प्लस टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस टू टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा एक ये है और दो ये, टू ये, तो यू गॉट वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तीन चीज़ें। अब ये फर्दर टेन थीटा प्लस टू टेन थीटा थ्री टेन थीटा हो जाएगा,
टेन थीटा प्लस टू टेन थीटा, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और इसमें कॉस थ्री थीटा इज इक्वल टू फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। हमने इसको सॉल्व करना है और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड हमारे पास आना चाहिए। मैं अक्सर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, इवन आप राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात आपको एक साइड सॉल्व करने में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा लंबा होता है, तो कोशिश करें कि जो शॉर्ट होता है, जो इजी होता है, वही साइड आप सॉल्व करें और दूसरे साइड को प्रूफ करें। जैसे यहाँ मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ और इजीली राइट हैंड साइड आपके पास आ जाता है, तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूँ मैं, वो हमारे पास है कॉस थ्री थीटा। कॉस थ्री थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस टू थीटा। फार्मूला में बना देता हूँ, कॉस थीटा प्लस टू, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये फार्मूला है कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये फार्मूला है। तो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो कॉस थीटा और कॉस बीटा इज कॉस टू थीटा, ठीक है, और माइनस साइन अल्फा इज साइन थीटा और साइन टू थीटा, ये फार्मूला, ठीक है। कॉस थ्री थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस टू थीटा, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये कॉस थीटा तो कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन कॉस टू थीटा एक फार्मूला है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये फार्मूला कॉस टू थीटा का होता है, ये पहले भी मैं करा चुका हूँ। कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, एक जहन में रख लें, क्योंकि इस कॉस टू थीटा के तीन फार्मूले हैं। अभी इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने समझाया था कि कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन है, एक वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा है, एक आपके पास टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तो तीन फार्मूले होते हैं। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे पास अगर मैं साइन थीटा का फार्मूला लगाऊंगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, देखिए थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन लंबा हो जाएगा लेकिन चलो मैं समझा देता हूँ। वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और एक फार्मूला है कि टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए तीन फार्मूले, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू दिस वन इज इक्वल टू दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। अब आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है वो मैं देखूंगा कि मुझे प्रूफ क्या करना है। मुझे प्रूफ ये करना है फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, जहाँ पे कहीं पर भी साइन थीटा नज़र नहीं आ रहा, टेन थीटा नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ कॉस और कॉस ही है, तो इसलिए मैं ये फार्मूला, मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, मैं प्रूफ करूँगा तो ये नहीं आएगा, लंबा चौड़ा हो जाएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है। फिर मुझे इन्हें आगे जाके फिर से फिर ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, और अगर मैं ये यूज़ करूँगा तो इसमें कोई टेन थीटा का कोई शायबा भी नहीं, कोई नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं ये फार्मूला नहीं लगा सकता, वरना कुछ और आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपकी जो सिलेक्शन है वो आप इस बात पे डिपेंड कर लेता है कि आपको प्रूफ क्या करना है, ठीक है। तो मुझे राइट साइड इसमें कॉस थीटा सारा आ रहा है, तो इसलिए मैं ये फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। बाज बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एक चीज़ के इतने सारे फार्मूले हैं तो हम कौन सा फार्मूला लगा दें, ठीक है। तो इसके लिए लॉजिक यही है कि जो चीज़ आपने प्रूफ करनी है उसी के हिसाब से आपने फार्मूला उठाना है, ठीक है। तो ये फार्मूला मैंने उसके अंदर लगा दिया। दूसरा फार्मूला मेरे पास ये माइनस साइन थीटा अपने जगह पे और साइन टू थीटा का एक ही फार्मूला है, वो है टू साइन थीटा कॉस थीटा। इसके लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं सिर्फ कॉस थीटा में शो करूँ, साइन टू थीटा का फार्मूला टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो मैं वही लगा दूंगा, ठीक है। इस तरह से ये
टू कॉस क्यूब थेटा हो जाएगा, टू कॉस क्यूब थेटा। देखिए कॉस थेटा मल्टीप्लाई बाय टू कॉस स्क्वायर थेटा इज टू कॉस क्यूब थेटा माइनस कॉस थेटा बन जा कॉस थेटा माइनस। अब ये टू साइन स्क्वायर थेटा, टू साइन स्क्वायर थेटा और कॉस थेटा ये मल्टीप्लाई किया मैंने, माइनस टू साइन स्क्वायर थेटा कॉस थेटा हो जाएगा। ठीक है, अब फर्दर चूंकि साइन थीटा को भी कॉस थीटा के फॉर्म में लेकर आना है तो इसका फॉर्मूला मैं लगा दूंगा, ये टू कॉस क्यूब थेटा माइनस कॉस थेटा माइनस टू साइन स्क्वायर, टू और साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थेटा जो बेसिक फार्मूला है, और ये कॉस थीटा ये वाला आ जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने ये लगा दिया माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इज वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, ये फार्मूला तो आपको याद ही है, मैं बार बार करा रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ रही है वो मैं इस फार्मूले से निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, टू कॉस क्यूब थेटा माइनस कॉस थेटा माइनस टू कॉस थेटा बन जा माइनस टू कॉस थेटा। देखिए कॉस थेटा और टू मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टू कॉस थेटा बन जा टू कॉस थेटा माइनस माइनस प्लस टू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो टू कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, टू कॉस क्यूब थीटा हमारे पास है। देखिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, माइनस माइनस प्लस, ये टू मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा टू कॉस थीटा और मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा टू कॉस क्यूब थीटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, फर्दर मैं इसको इधर सॉल्व कर लेता हूँ, ये टू कॉस क्यूब थीटा और टू कॉस क्यूब थीटा फोर कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, बल्कि मैं इधर कर लेता हूँ, फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थेटा और माइनस टू कॉस थेटा इज माइनस थ्री कॉस थेटा, थ्री कॉस थेटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये फाइनली मेरे पास इसका प्रूव आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।